चलिए आइए बैठिए, चलिए अब आइए हमारी नानी, आइए हमें लेके चलिए, आइए बैठिए, नहीं बैठो आप हमारी नानी, मुझे अपने घर जाना है, नहीं नहीं यही बैठ जाते हैं, ये तो गजब गुंडा ही है, यहीं बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ 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 पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया, पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे, प्रगति मैदान पे एबी 17 पे मेरा घर है, हम यहाँ पे बारह खंबा रोड के फ्लाईओवर से नीचे उतरे और इन पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी, अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे, ये क्या तानाशाही चल रही है, आप हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने देंगे, आप तो आपने रोका हमें, आपको बता के जाएंगे क्या सर, आपको क्यों बताए, क्यों पूछ रहे हैं आप, क्यों पूछ रहे हो आप, क्यों पूछ रहे हो आप, कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं अपने, किस अधिकार से पूछ रहे हो, आतंकवादी है, क्या पूछा, चिल्लाइए मत, क्यों नहीं चिल्लाइए मत, क्यों नहीं चिल्लाइए मत, ये प्रॉब्लम, किसी को रोक ले गए इसे, कॉल दी हुई है प्रदर्शन की, दिल्ली में 144,000 लगी हुई है, 144 लगी हुई है, अभी कॉल दी हुई थी आपने, क्या कॉल दी बताइए, कि आप शहीदी पार्क पे इकट्ठे होंगे, तो ये शहीदी पार्क है, ये शहीदी पार्क है, इतना ही पूछा आपको, इतना ही पूछा आपको, ठीक है मैं भेज रहा हूँ, अरे मेरा मैं हूँ, अगर आपको सीन के लिए इतना बात लग रहे हैं कि आप पूरे अपोजिशन को एक साथ गोली मार दो खड़ा करके, ना काम खत्म होगा, अच्छी बात वही चाह रहे हो आप लोग सर, हर चौराहे पर रोक रहे हो, क्या चेक चेक करिए ना, चेक नहीं चेक कर रहे हो आप, चेहरा देख के रोक रहे हो सर, आप चेहरा देख के लोगों को रोक रहे हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है, आप लोग मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, संविधान की नौकरी करिए, चलो आप छोड़ो।